दिखा चुके रेस कोर्स में का मंगल में गाइस बहुत सारी एग्जीबिशन लगी हुई है, आप देख सकते हो सामने पूरा स्टेज भी सजा हुआ है। Dry flowers. We have tonight food court. Yes, we have food courts also. Food stalls. We have. You guys can explore. Yeah. दाम अलग में, दाम अलग के stalls में. दाम अलग. आप अपना taste change कर लीजिए. Because cuisine we have. We are promoting culture of India. Handmade cuisines we have. जो आप सभी लोग try कर सकते हैं, taste कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं. And यहाँ पे है और आपका शूटिंग चल रही है और यहाँ पे शूट कर रहा है, यहाँ पे है गंभीर दाई विरासत जैसे है जो मैं शूट कर रहा हूँ BTS बिहाइंड द सीन्स, ये है बिहाइंड द सीन्स हमारा। सो गाइस ये देखो आप पिंकू भाई की पूरी शूटिंग चल रही है, यहाँ पे पूरा ब्लॉग शूट हो रहा है। ओह दिखा दो ना कि गाइस जो मैं शूट कर रहा हूँ ना एक्चुअली ये बेसिकली वो है क्या बोलते हैं इसको BTS बिहाइंड द सीन। सो गाइस ये देखो आप सब कुछ तो यहाँ लगा है गाइस, हम कुछ बाहर से खा के आ चुके हैं। दिल्ली का दरबार हमने पहली पेल दिया इतना सारा दिल्ली चाट भंडार यहाँ से खा के आ चुके थे, बट हम कुछ यहाँ पे भी टेस्ट करेंगे पूरा। क्या बोलता है गुरु, इंडिया का कल्चर हो रहा है प्रमोट, और आपको फटाफट से दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या चीजें हैं। काफी अच्छी चीज लग रही है यहाँ पे, चटपटे चाट, लिट्टी चोखा, और ये देखो मुगल दरबार भी है यहाँ पे कुछ, और देखिए आप शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको फटाफट से एक सिनेमैटिक शॉर्ट्स में गंभीर भाई दिखाएंगे अभी कि यहाँ क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज।
गाइस यू नो सिद्धार्थ भाई बोल रहे मैं आके फोटो खिंचवा दो भाई खिंचवा दो ना प्लीज यार चला जा गुरु से चला जा बन जाना कन्हैया बन जाना बीच में चला जाना भाई प्लीज यार चला जा प्रिंका है ये देखो गाइस आप इसका BTS सूट हो रहा है पूरा तू मेरा क्या मैं तेरा करता हूँ भाई ये हाँ यार गाड़ी असली चीज तो ये देखी हमने आप जड़ी बूटियाँ हाँ भाई जड़ी बूटी ले ले भाई जंगल की बूटी कारियल बूटी क्या यार तड़कता फड़कता एकदम पूरा ही साबुत मुर्गा टांग दिया ये तो ओए होए गाइस यहाँ पे ना हमारा उत्तराखंड है और क्या उत्तराखंड तो छोड़ो आप पूरे इंडिया के ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के सारे मतलब स्टॉल खुले हुए हैं उनके आपका जो कल्चर से रिलेटेड उनके जो और ड्रेसेस हो गए आपके खाना हो गया सब कुछ है यहाँ पे है बिल्कुल भाई क्या बिल्कुल जो देहरादून में रहते हैं वो यहाँ आइए आज से स्टार्ट हुआ है मेला कब तक का था आई थिंक 14 फरवरी तक का है जब तक वैलेंटाइन डे तो अपने प्यार को के साथ आइए अपने वैलेंटाइन के साथ आइए और खर्चा कीजिए भाई खर्चा करना पड़ेगा भाई जी और सामने देखो आप ये हमारा मोर है मोर यहाँ पे ना क्या खाना तुझे क्या खाना है पोटा कलेजी यार देख लो क्या क्या डिमांड है लड़कों की पोटा कलेजी खानी है चलो फिर ढूंढ लेते हैं कहीं मिल जाए क्या पता कहीं मिल जाए भाई वो तो है यहाँ पे मटन कबाब सीख कबाब खा ले अभी खा के है ना वैसे ऑलरेडी वैसे गाइस मैं एक चीज बोलूँ ना आपको मैं मेले में आया फर्स्ट टाइम मैं मेले में आया हूँ और गाइस यहाँ पे ना सबसे चीज देखिए नरेंद्र सिंह नेगी एंड टीम अभी वो मैं भी दिखाने वाला हूँ पहले ये चीज देखना मेले में आए हैं और सफाई अब गाइस सीरियसली कह रहा हूँ मैं आप देखो ना पूरा क्लीन है एकदम यहाँ पे ये मतलब कोई गंदगी नहीं और दूसरा आप जो प्रियांक भाई कह रहा था वही है ये देखो आप गाइस 14 तारीख से 14 तारीख तक ये लोग आने वाले हैं ये देखो आप डेट भी देख सकते हो आप इस डेट में ये लोग आने वाले हैं सारे कल्चरल प्रोग्राम है बिल्कुल शाम के 6 बजे से यस गाइस आओ यार और एंजॉय करो आके हमारे भाई लोगों के साथ प्रियांक भाई तो आने वाला है प्रियांक भाई ने डिसाइड कर दिया कि मैं 14 फरवरी को आऊंगा सिर्फ और उसमें पूरा देख के जाऊंगा भाई बिल्कुल भाई जी यार 14 फरवरी को आया जाएगा यहाँ पे और देखा जाएगा क्या अब ये गर्लफ्रेंड के साथ या ये वाइफ के साथ आएंगे क्यों बिल्कुल भाई जी अब हम लोग आएंगे वाइफ के साथ आप देहरादून में रह रहे हो तो द मलंग ये है आपका रेस कोर्स में और आप देखिए यहाँ पे पूरा इंडियन कल्चर दिखाया जा रहा है जिसमें आपका फूड है आपका क्या बोलते हैं कपड़े हैं और आपके लिए शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें हैं तो आप डेफिनेटली विजिट करें और इन्जॉय करें एंड उसके लिए सॉरी गाइस जो हम शुरू में नाम थोड़ा सा गड़बड़ बोल गए थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया हमारा तो भाई पॉप टंग या टंग स्लिप हो जो भी हो तो गाइस थैंक यू सो मच हमारा ये छोटा सा मिनी ब्लॉग देखने के लिए अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय और गाइस एक रिक्वेस्ट और करो प्रियांक भाई को बोलो कि हिमाचल वाला ब्लॉग फटाफट से अपलोड करें क्योंकि अभी तक एडिटिंग नहीं हुई है भाई की